Abu Huraira radhiyallahu anhu reported, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, "By him in whose hand is my life, the world would not come to an end until a person would pass by a grave, would roll over it, and express the desire that he should be in the place of the occupant of that grave, not because of religious reasons, but because of this calamity. Ek time pe banda kabristan se guzrega aur kahega, hai kaash iski jagah kabar mein main hota." Yani he or she will wish for death. और इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु इस पे कमेंट करते हैं, देयर विल कम अ टाइम व्हेन इफ वन ऑफ यू फाउंड डेथ फॉर सेल ही वुड परचेज इट। एक टाइम आने वाला है कि तुम्हें अगर डेथ सेल में मिल रही होगी, तुम परचेज कर लोगे कि आई शुड बाय इट। और ये टाइम आ चुका है। सबसे ज्यादा डिप्रेशन नंबर वन जापान, इस लेवल की डिप्रेशन है वहां पे। पार्लियामेंट में डिबेट्स हो रही है, जस्ट सर्च इट आउट ऑन गूगल। हम जापान की इकोनॉमी की मिसालें देते हैं, ठीक है, देनी चाहिए, उस कौम ने मेहनत की है, लेकिन एक साइड पे मेहनत की है, बट उनकी यूथ, उनके चिल्ड्रन सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड हैं। एंड देन चाइनीज, लुक एट द चाइनीज। चाइना में एक ब्रिज है जहां पे बारियां लगती हैं खुदकुशी करने की। पीपल आर परचेसिंग डेथ कि आई वॉन्ट टू डाई, अब मेरी बारी है। एंड देन इन पाकिस्तान वी सी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स कितने स्ट्रेस में है, कितने प्रॉब्लम्स में है, किस किस तरह के डिसऑर्डर्स आ चुके हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे 10 साल पहले। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बायपोलर मेनिया डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, फोबिक डिसऑर्डर्स, किस किस तरह के डिसऑर्डर्स हैं। और बच्चों में, 13-14 साल के बच्चे में, यू वॉन्ट बिलीव इट, दिस इज द वर्ल्ड वी हैव क्रिएटेड, कि हर बंदा मेंटली डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाए। एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट इब्लीस सेड टू अल्लाह। मजे की बात है कि अगर हम सोचे इब्लीस ने क्या कहा था अल्लाह को, इब्लीस ने कहा था कि मैं इनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा, और जब तक इन लोग को या तो बर्बाद नहीं कर दूं या इनको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। अब अल्लाह ने हमें बताया हुआ है, 3-4 जगह कुरान में बताया हुआ है, लेकिन हमने उसको सीरियस नहीं लिया। हम समझते हैं सब अच्छा है, ऑल इज गुड, ऑल इज वेल, एज लॉन्ग एज मैं प्रॉब्लम में नहीं हूं, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक जा रहा है। जब तक मेरी लाइफ चिल में है, द वर्ल्ड इज इन चिल।